हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं पिछले लेक्चर में आपको ये बताता है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैं सभी गैस का निकाल कर भी दिखाया था, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्रायटॉमिक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज बताऊंगा, क्या यूज होता है, कैसे इसकी हेल्प से स्पेसिफिक हीट निकलता है, सीपी निकलता है, सीवी निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके लिए पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है? तो देखो, ये लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। सुन लीजिए फिर से, इट स्टेट दैट फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद सेम एनर्जी होती है, एक मॉलिक्यूल्स में जितनी एनर्जी है वो एनर्जी इक्वली डिवाइडेड हो जाती है इच डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, तो इच डिग्री ऑफ फ्रीडम जब बोल रहा है, तो इच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होता है, एनर्जी पर डीएफ जो होता है वो क्या होता है, 1/2 kT, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ई बार, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो क्या होता है, 1/2 kT। ठीक है, हाँ, ये किसके लिए, ये फॉर मॉलिक्यूल्स, ये जो लिखते हो ये क्या है, फॉर मॉलिक्यूल्स। इच डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1/2 kT। ठीक है, तो देखो दोस्त, अगर आप मोनाटॉमिक की बात करते हो तो मोनाटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो बताओ। हम लोग कल किए, मोनाटॉमिक में कितने होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, तो बताओ एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी फॉर मोल, एनर्जी एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होता है, 1/2 kT। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1/2 kT, तो क्या गया, 3/2 kT। देखो, ये जो एनर्जी आया ना, ये फोर मॉलिक्यूल्स आया, किसके लिए आया हुआ है, फोर मॉलिक्यूल्स। अगर कोई तुमसे पूछ दिया मोनोटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस में कितना एनर्जी होगा, 1 मोल। ठीक है, तो ये किसके लिए आया हुआ है, मॉलिक्यूल्स के लिए। तो बताओ 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो अगर मोल के लिए पूछेगा एनर्जी फोर मोल, तो क्या बताओगे, इसको किससे इंटू कर दोगे, इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या बन गया, एनर्जी फोर मोल, तो ये क्या होगा, 3/2 kNT। के एन को हम जो बोलते हैं वो बहुत फेमस नाम है, सभी जानते हो, उसका नाम क्या है, गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बताओ 3/2 kN क्या हो जाएगा, RT। तो एनर्जी फोर मोल क्या आ गया, 3/2 RT, R। तो यहां से एक रिलेशन का पता चलता है, क्या आर जो होता है किसके इक्वल होता है, KN। के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो हमें ये पता चला, जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी आ गया 4 मोल, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेज एनर्जी। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, 3/2 RT। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे सीवी बताओ मोनोटॉमिक गैस का, तो बहुत सिंपल है, सीवी अगर कोई पूछे ना, वैसे इसका ड्राइवेशन है, मैं ड्राइवेशन पार्ट नहीं करवा रहा हूं। अगर कोई पूछे एनर्जी, सॉरी सीवी क्या है, तो देखो क्या है, इसका टी क्या कर दो गायब कर, इसका ड्राइवेशन मैं ड्राइवेशन नहीं करवा रहा हूं, सभी जानते हो, तो इसका क्या कर दो, टी गायब कर दो, तो क्या आ जाएगा सीवी। तो बताओ 3/2 R क्या आ गया, सीवी। मतलब एनर्जी से टी गायब कर दो, एनर्जी से क्या कर दो, एनर्जी से क्या कर दो, टी क्या कर दो गायब, तो क्या आ गया सीवी। सीवी क्या हो गया, 3/2 R। ठीक है, अब कोई पूछेगा सीपी, तो बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर। सीवी आपको पता है क्या है, 3/2 R = R, तो सीपी क्या आ जाएगा यहां से, इसको इधर भेज दीजिए तो 5/2 R, ये क्या आ गया सीपी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा गामा क्या है इसका, तो क्या बताओगे, गामा इक्वल टू क्या होता है, CP/CV। तो 5/2 R / क्या हो जाएगा, 3/2 R।
ठीक है, क्योंकि सीपी की वैल्यू क्या है 5/2 आवर, और सीजी की वैल्यू क्या आई है 3/2 आवर, तो यहां से कट कर दो 2 2 आर आर, ये क्या आ गया 5/3 गामा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो फिंगर टिप्स पे सब पता चलेगा तुम्हें कैसे, जैसे देखते हैं अगर कोई पूछेगा कि डायाटॉमिक का बताओ, डायाटॉमिक का बताओ क्या, व्हाट इज सीपी सीबी एंड गामा, तो कैसे निकालोगे डायाटॉमिक का बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होता है 5, तो क्या लिखेंगे एनर्जी इक्वल टू वहां पे क्या 5 × मोल के लिए क्या होगा 1/2, सॉरी मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा 1/2 kT, ये क्या गया मॉलिक्यूल्स के लिए, अब मोल के लिए क्या हो जाएगा इसको के को एन से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/2 आर, ये किसके लिए आ गया मोल के लिए, ये किसके लिए डायाटॉमिक, 1 मोल ऑफ डायाटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा 5/2 आर की एनर्जी, इससे टी गायब कर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें सीवी, अब बताओ सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है आर, तो सीपी आर से क्या आ जाएगा इसको उधर भेजो तो 7/2 आर, ये क्या आ गया तुम्हारा सीपी आ गया। ठीक है, अब तो बोलेगा गामा बताओ, तो गामा कैसे बताओगे, गामा कैसे बताओगे, तो गामा यहां से बताओगे गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीजी, गामा सीपी कितना है 7/2 आर, सीजी कितना है 5/2 आर, तो क्या गया 7/5 क्या गया गामा। अब बताओ ट्रायटॉमिक का तुम्हें खुद निकाल दोगे तुरंत, बताओ एनर्जी फॉर ट्रायटॉमिक गैस मोल के लिए डायरेक्ट निकालते क्या हो जाएगा वहां पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम डाया का था तो यहाँ पे क्या गया 5/2 आर, ट्राय का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 7, तो क्या आ जाएगा 7 आर, ट्राय का लिनियर का 7 होता है, ब्रांच का क्या होता है 6, ये हम लोग कल कर चुके हैं, जिन्हें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आया है ये पता करना है तो आप मेरे लेक्चर को देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट पार्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पे है डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट पार्ट पे देख लेना आपको मिल जाएगा व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये कैसे निकलता है। ठीक है ओके, तो आप एनर्जी मोल का निकालते 7/2 आर, इससे टी गायब कर दे तो क्या मिल जाएगा, अगर इससे टी गायब कर देगा तो क्या मिल जाएगा सीवी 7/2 आर, अब बताओ सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो सीपी यहां से क्या आ गया 9/2 आर, तो गामा बताओ क्या आ जाएगा सीपी अपॉन सीवी, तो सीपी कितना है 9/2 आर अपॉन 7/2 आर, आर 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 2 2, तो गामा क्या आ गया 9/7। तो स्टूडेंट देखो क्या है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज याद करना है क्या, कुछ नहीं, कैसे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में बता चुका हूं, बिना याद किए भी बता सकते हो कैसे निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। हाँ एक चीज याद रख लो क्या, लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल 1/2 kT इच डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर बाकी अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है मल्टीप्लाई कर दो आपको एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा एनर्जी फॉर मोल, उसके बाद की कहानी आपको पता है। ओके स्टूडेंट, आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो चाहे वो किसी भी बुक से भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।